Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दिलजीत कौर के बारे में। दिलजीत कौर ने क्या कहा है रिसेंटली आसिम जाज के बारे में और हिमांशु खुराना के बारे में और आसिम अंशी की जोड़ी के बारे में। चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बता दूँ। जैसा आपको बताऊँगा बिग बॉस 13 में आसिम हिमांशी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में रहे थे। जब ये दोनों बिग बॉस के घर के अंदर थे तो कहीं ना कहीं ये खबरें फैल गई थी कि आसिम को जो है हिमांशी को ये सब नहीं कहना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और क्योंकि हिमांशी की जो है पहले से ही हिमांशी रिलेशन में उनका बाहर बॉयफ्रेंड है। ये कॉन्ट्रोवर्सी जब चली थी तो सलमान खान सर ने भी कहा था कि आसिम तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए, जबकि तुम्हें पता है कि कोई लड़की अगर कोई किसी रिलेशन में है तो आप उसे ये सब बातें नहीं कह सकते। लेकिन आसिम ने कहा था कि क्योंकि मेरे दिल में थी तो मैंने कह दी, अब इनको जैसे भी रिएक्ट करना है वो इनकी मर्ज़ी है। और हिमांशु ने भी उस समय आसिम से दूरी बनाकर ही रखी थी और वो ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे। लेकिन जब हिमांशु खुराना बाहर गई और दोबारा घर के अंदर आई तब कहीं ना कहीं इन दोनों में नज़दीकी आई। और फिर सलमान खान सर ने भी कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, अब जब तुमने पहले ही इनसे कह दिया बाहर, तुम्हारी वजह से इनका रिश्ता भी टूटा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हिमांशी के साथ हमेशा रहो। इसके ऊपर दिलजीत कौर ने कहा है कि मैं काफ़ी प्राउड हूँ कि आसिम ने अभी तक हिमांशी के साथ जो है जोड़ी बना करके रखी है, और जिस तरह से सलमान खान सर ने उन्हें बिग बॉस के घर के अंदर कहा था कि अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम हिमांशी के साथ रहो, वो आसिम रियाज ने पूरा निभाया है। और ये कहा है दिलजीत कौर ने, और उन्होंने कहा है कि मैं काफ़ी प्राउड हूँ आसिम पे। वैसे आपको क्या कहना दिलजीत कौर के स्टेटमेंट के बारे में, आसिम रियाज के बारे में, और आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की जोड़ी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।